दोस्तों, लफ्ज़ एलियन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और इस लफ्ज़ के सुनते ही आपके चश्मे तसव्वुर में एक अजीबोगरीब मखलूक का तसव्वुर भी ज़रूर उभरता होगा। एक ऐसी मखलूक जो इंसान से ज़्यादा ज़हीन और जदीद है। इसके पास वो सब कुछ है जो हमें शायद 100 साल बाद मयसर हो। इंसान रोज़े अव्वल से ये सोचता आया है कि कायनात में इस जैसी कोई और मखलूक भी मौजूद है। ये सवाल 19वीं सदी में हकीकत बनकर सामने आ गया जब लोगों ने देखा कि फिजा से अजीबोगरीब छतरियों में अजीबोगरीब मखलूक ज़मीन पर उतर रही है। जब इस मखलूक ने अपना रद्द अमल जाहिर किया तो इनकी ताकत का अंदाज़ा भी हो गया। इन लोगों के पास जो जहानत है, इनके मुकाबले में हमारी जहानत कुछ भी नहीं है। इन लोगों की छतरियाँ जिनमें ये सफ़र करते हैं, यानी UFO, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इनमें इतनी ताकत मौजूद है कि हमारी तमाम सिग्नल डिवाइसेस और बिजली के निज़ाम को फेल कर सकते हैं। वो फिजा से ज़मीन पर मखसूस शुआएँ भेजकर लोहे तक को जला सकते हैं। वो ज़मीन से किसी भी चीज़ को फ़जा में मुअल्लक कर सकते हैं। दोस्तों, उड़न्त अश्तरी यानी UFO 700 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से सफ़र करती है। ये पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर चली जाती है। यह पानी और खुश्की पर यकसा रफ्तार से सफ़र कर सकती है। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि एलियंस की एक ईजाद का ये आलम है तो दूसरी ईजादात का क्या आलम होगा। जबकि हमारी इंसानी टेक्नोलॉजी जब तक लोहे को दो पर ना लगा ले वो हिलता तक नहीं है। अगर दो पर लग भी जाएं तो भी UFO जैसी तेजी, फुर्ती और टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती। इस ताकत और मेयार की बुनियाद पर एलियंस को किसी दूसरे सियारे की मखलूक मान लिया गया जो वक्तन फवक्तन हमारी ज़मीन पर सैर करने के लिए आते हैं। इनकी आमद खौफ को जन्म देती है क्योंकि इनकी शक्लो शुबाहत और इल्म हमसे बहुत ज़्यादा मुशाबे भी हैं और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी। रफ्ता रफ्ता UFO यानी उड़न्त अश्तरियों की आमद ज़मीन पर बढ़ती जा रही है। इसी के साथ एक अनजाना खौफ भी परवान चढ़ता जा रहा है। क्या ये मखलूकात वाकई ही किसी और सियारे से आई हैं और इंसान से वाकई ज़्यादा बेहतर हैं? आखिर ये क्या चीज़ हैं? इस सवाल का पहला जवाब हमें इलामी किताबों से मिलता है। दोस्तों, कुरान करीम में रब करीम कई मकामात पर फरमाते हैं, ऐ जिनो इंस की जमात, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि हमने इंसान को मट्टी और जिनात को आग के शोले से पैदा किया। लिहाजा कुरान करीम में किसी भी जगह एलियन या किसी दूसरी मखलूक का जिक्र नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसान और जिन्नात को शऊर की ताकत दी है। यही वजह है कि इन पर बहुत सी हदें भी लागू कर दी गई हैं। फिर एक और मकाम पर रब करीम ने फरमाया, हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये जुमला भी इंसान और एलियन के दरमियान बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इंसान अशरफुल मखलूकात हैं तो फिर एलियन इंसान से हजार दर्जे ज्यादा ज़हीन कैसे हो सकते हैं? वो इतने ज़हीन और जदीद कैसे हो सकते हैं जबकि इंसान अशरफुल मखलूकात है? इनके पास वो सब कुछ क्यों है जो हमारे पास नहीं है? कुरान करीम की मुकद्दस आयात वाज़े करती हैं कि शऊर सिर्फ इंसान और जिन्नात के पास है, जबकि 19वीं सदी में एलियंस का रुनुमा होना एक बहुत बड़ा सनसनीखेज सवाल है। आखिर कुछ तो ऐसा है जिसे एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम तारीख का मुताला करें तो माजी में भी हमें ऐसी कोई मखलूक देखे जाने का जिक्र नहीं मिलता, ना ही किसी उड़न दशरी को देखे जाने का जिक्र मौजूद है। कुरान और हदीस में भी किसी ऐसी मखलूक का जिक्र नहीं पाया जाता, लेकिन 19वीं सदी के वस्त में ये मखलूक जाहिर हुई। इसे सबसे पहले यूरोपीय ममालिक में देखा गया। इनकी आमद दुनिया के लिए काफ़ी सनसनीखेज साबित हुई। एक अनजाना खौफ परवान चढ़ने लगा। इस खौफ में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब एलियंस पर ड्रामे और फिल्में मंजर का हिस्सा बनने लगे। इसी के साथ ही एलियंस और UFO का अवामी मकामात पर जाहिर होकर सनसनी फैलाना भी खासा कारगर साबित हुआ। यूं एलियंस को दुनिया में नहायत ज़हीन और ताकतवर मखलूक मान लिया गया। दोस्तों, अगर किसी चीज़ की असलियत को जानना हो तो उसका रुझान और उसमें दिलचस्पी रहने वाले अफराद की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक मौजूद होता है। अगर हम UFO की हिस्ट्री को जांचें तो ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखी गई हैं, इसके बाद इसराइल में इन्हें सबसे ज़्यादा देखा गया है। लेकिन दोनों ममालिक के मीडिया ने इस बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। जब अवाम इतनी दिलचस्पी ले रही है तो मीडिया आखिर खामोश क्यों है? हालाँकि ये दुनिया के इन मौजूआत में से एक है जिन पर अच्छी खासी रेटिंग हासिल की जा सकती है, लेकिन मीडिया की इसके बावजूद खामोशी बहुत मायने खेज है। इसके पीछे क्या राज है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे हकायक जिससे इस मामले को बखूबी समझा जा सकेगा। दोस्तों, 1952 में 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मुसलसल उड़न दश्तरियाँ यानी UFO मुसलसल व्हाइट हाउस पर देखी जाती रही हैं। इनके उड़ान भरने का अंदाज ऐसा था जैसे वो सिक्योरिटी के फराइज अदा कर रही हों। इस मामले को लेकर अमेरिका में खासा शोर उठा। अमेरिकी मीडिया ने भी इस मामले पर काफी शोर मचाई की, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि अमेरिकी हुकूमत मामले की तहकीकात करके इस मामले की हकीकत बताए। लेकिन सबको हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमेरिकी हुकूमत ने बजाय तहकीकात करने के UFO के मौजू पर बात करने पर पाबंदी लगा दी। इस मामले में अमेरिकी हुकूमत का कहना था कि UFO का जिक्र कौमी सिक्योरिटी और सलामती के लिए खतरा है, लिहाजा इस पर बात करना ममनू है। दोस्तों, जाहिर है जब एक पुरअसरार चीज आपके घर घुसाए और आप इस पर आंखें बंद कर लें
तो आपका इससे कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर होता है। एक दूसरा वाक्य भी मुलाहिजा करें। 1951 में पोर्टो रिको के आर्मी बेस पर एक रोज़ नामालूम वजूहात की बना पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। फिर दिन के 11 बजे के करीब एक UFO एयरबेस पर उतरी। इस वक्त इसी एयरबेस पर अमरीकी साबिक सदर आइजनहावर भी पहले से मौजूद थे। आर्मी के एक नौजवान ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मकामी प्रेस को बताया कि एयरबेस पर एलियन और आइजनहावर के दरमियान 4 घंटे की तवील गुफ्तगू हुई। इस दौरान आइजनहावर मुसलसल इनकी गुफ्तगू पर सर हिलाता रहा। हैरत की बात यह है कि इस मुलाकात के 2 साल बाद आइजनहावर अमेरिका का सदर बन गया। जब मीडिया ने इनसे एलियन से मुलाकात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने सिरे से किसी ऐसी मुलाकात से इनकार कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, ऐसे बेशुमार वाकयात से पता चलता है कि एलियंस और अमेरिकी हुकूमत के दरमियान कोई इंतहाई अहम ताल्लुक ज़रूर पाया जाता है। एक और अहम वाकया भी मुलाहिजा करते चलें। 1952 में अमरीकी बहरिया के वजीर डॉन कैम्बल ज़ाती तैयारे पर हवाई सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नीचे एक जजीरे पर पुख्ता सड़कें और वन वेज देखे और वो ये सब देखने के बाद सोच में पड़ गए कि अमरीका ने अभी तक किसी दूर दराज के जजीरे पर अपना एयरबेस नहीं बनाया, तो यहाँ समंदरी वीराने में पुरसरार एयरबेस कैसे मौजूद है। इस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारी UFO वन वेज पर खड़ी हैं और अजीब किस्म के इंसान चहलकदमी कर रहे हैं। जब वापस आकर उन्होंने इस बात का जिक्र अमरीकी फजाइया से किया तो उन्हें CIA की तरफ से खबरदार किया गया कि अगर दोबारा इस बात का जिक्र किया तो मार दिए जाओगे। यानी अमरीकी हसास इदारे ना सिर्फ बजाते खुद एलियंस के ठिकानों से वाकिफ थे बल्कि वो पसे पर्दा इन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, चलें अगर हम मान भी लें कि ये तीनों वाकयात कोई हकीकत नहीं रखते, हालांकि ऐसे वाकयात से अखबारें, मैगजीन और किताबें भरी पड़ी हैं, मान लिया वो कोई हकीकत नहीं रखते, मान लिया एलियन किसी दूसरे सियारे की मखलूक हैं और यहाँ आकर अहले ज़मीन से यकसा रवैया रखते हैं, वो नहीं जानते किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है, इनके लिए तमाम फसल एक जैसी है। लेकिन अब एक वीडियो क्लिप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ये क्लिप बहुत हैरत अंगेज और सोच में डालने वाला है क्योंकि इसमें अमरीकी फिजाइया और UFO एक साथ परवाजी मशकें कर रही हैं। वीडियो में कहीं भी अदावत या दुश्मनी नजर नहीं आ रही बल्कि तआवुन का एक माहौल नजर आ रहा है, जबकि खुद अमरीका अभी तक दुनिया के सामने UFO को फिक्शन कहानी बता रहा है। हालांकि अक्वामे मुत्तहदा में UFO के हवाले से एक कानून भी पास हो चुका है। अब मुलाहिजा करें एक और वीडियो, और ये वीडियो पहले वाले क्लिप से कहीं ज्यादा अहम है, लिहाजा तवज्जो से देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, ये वीडियो क्लिप अफगानिस्तान की सरजमीन पर शूट किया गया है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक UFO मुजाहिदीन इस्लाम की पनाह गाहों पर तबाहकुन हथियार का किरदार अदा कर रही हैं। अब आप ऐसे कुछ मजीद क्लिप भी मुलाहिजा कीजिए। Let me talk about it.
ख़वातीनो हज़रात, आपने वीडियो क्लिप्स में देखा कि दूसरी दुनिया से आने वाले एलियंस किस तरह अहले ज़मीन से गैर मतवाजन रवैया अपनाए हुए हैं। एक तरफ UFO वाइट हाउस की पासवानी करती दिखाई देती हैं और अमरीकी फिजाइया के साथ मशकी परवाजें कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में अहले इस्लाम को एलियंस बेदर्दी से मार रहे हैं। यह बात साबित करती है कि एलियंस किसी दूसरी तीसरी मखलूक का नाम नहीं है, बल्कि ये अहले कुफर का अपना ही एक दूसरा रूप है, जिसे पुरअसरारियत के पीछे छुपाकर अपने नापाक अजायम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की जंग के दौरान जब UFO का बेदरी का इस्तेमाल हो रहा था, तो तब बहुत बार ऐसा भी हुआ जब UFO फनी खराबी के बायस जमीन पर आ गिरी, तो इन्हें अमरीकी हेलीकॉप्टर ही वापस लेकर जाया करते थे। इन सब बातों से एलियंस का ड्रामा पूरी तरह समझ में आता है। तो दोस्तों, ये तो थी हकीकत इस खौफ की, जिसने एक अजीब व गरीब पुरअसरारियत को जन्म दे रखा था। लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे राज उठाने बाकी हैं, जिनको वाजे करना बहुत ज़रूरी है। क्या UFO वाकई ही 700 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से सफ़र करती हैं? आलमे कुफर UFO का असल इस्तेमाल कब करेगा? UFO किस चीज़ की बनती हैं? इनके अंदर क्या होता है? ये वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा में क्या किरदार अदा करेगी और क्या कर रही हैं? अलुमिनाटी और एलियंस एक ही सिम के दो रुख हैं, मगर कैसे? Area 51 क्या है? दजाल और UFO के दरमियान गहरा ताल्लुक है, मगर कैसे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आने वाली वीडियोस में हम UFO और एलियंस पर मज़ीद तफसीली बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।